नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। तो बेबी स्वेटर के फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक बुनाई कर ली थी। 6 इंच बनाने के बाद हमने तीनों पार्ट्स में, ये दोनों फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट में 6-6 लाइन बुन लिया है। अभी यहाँ पे हमें आस्तीन लगाना होगा, तो इसके लिए हमें पहले आस्तीन बनाना होगा। तो आस्तीन के लिए मैंने सिंपल 34 फंदे डाले हैं, सामने से भी सीधा और बैक से भी सीधा सीधा बुनते हुए मैंने 6 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अब ये 7वां लाइन है, तो हम इस लाइन में 3 फंदे बढ़ाएंगे, 2 फंदे साइड में और 1 फंदे सेंटर में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे में हम 2 बार बुनेंगे, एक बार सामने से और एक बार बैक से। तो ये 1 से 2 फंदा हो गया। फिर हम शेष फंदों को सीधा बुनते हुए सेंटर में आएंगे। यहाँ पे हम अपना दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, तो एक बार हम सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे में एक बार बैक से सीधा बुन देंगे, तो यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ गया। अब एक फंदा हम लास्ट में बढ़ा लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे ही बुन लेंगे। हमारे पास 34 फंदे थे और 3 फंदे बढ़ जाने से हो गया 37। तो हमारा ये देखिए 4 लाइन का बॉर्डर बन के तैयार हो गया, यानी 8 लाइन हमने बुन लिया, 4 उल्टे फंदों की धारी बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अगले 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, चौथे फंदे को स्लिप कर देंगे, फिर अगले 3 फंदे सीधे, तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 1 फंदे को स्लिप करना है, 3 फंदे को सीधा बुनना है, 1 फंदे को स्लिप करना है और 3 फंदे को सीधा बुनना है। लास्ट में 1 फंदा बचेगा जिसे हम स्लिप कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में है, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर यानी 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 3रे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगले 3 फंदे सीधे। देखिए 3 फंदों में से बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और देखिए स्लिप किया हुआ फंदा, उसके दोनों साइड वाले 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, अगले 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो हम 1 फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। और अब फिर प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद से ये 3 फूल बन चुका है और अगर सिलाई में देखें तो 12 सिलाई हो गया है। अब हम इसमें दोनों साइड में फंदे बढ़ाएंगे। 1 फंदा सीधा बुन लिया, अगले फंदे में हम 2 फंदे बनाएंगे, सीधा बुना और फिर बैक से सीधा। अब इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे सीधे, जो हमारा पैटर्न है उसको हम चालू कर देंगे। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये स्लिप करने वाला फंदा इस 3 फंदों के बीच का होना चाहिए। तो ये
बीच के फंदे को स्लिप कर लिया, अगले तीन फंदे सीधे। अब लास्ट में हम पहुंचे हैं, तो फिर यहाँ पे भी हम एक से दो फंदे कर लिया, लास्ट फंदा सीधा। अब हम हर छठी लाइन में दोनों साइड में फंदे बढ़ाएंगे और 59 फंदे तक कर लेंगे। तो 59 फंदे करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आस्तीन की लंबाई 6 इंच हो चुकी है और फंदे हो गए हैं 59। तो अब हम इसमें रेगलान कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो फंदों को सीधा बुनेंगे, उसके बाद दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया, एक फंदा यहाँ पे घटा दिया। शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे लास्ट के तीन फंदों को छोड़कर। तो मैं लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट के चार फंदे बचे हुए हैं, तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे को लेंगे, यानी दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया, अब लास्ट के दो फंदे इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो घटाने के बाद वाले दोनों फंदों को, यानी दो फंदों को हम वापस सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। ये फंदा जिसे हमने दो का एक किया था, इसे हम उल्टा बुनेंगे और अपने पैटर्न के मुताबिक बीच के सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लास्ट के तीन फंदों को छोड़कर। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं। तो ये फंदा हमने दो का एक किया था, सीधा बुनते हुए दो का एक किया था, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट के दो फंदे इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम अपने सेकेंडरी कलर से दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए, इस फंदे को हम सीधा करेंगे, अगले फंदे को, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने एक फंदा घटा दिया। अब शेष फंदों को देखिए डिजाइन के मुताबिक बुनेंगे, इसे हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट तीन फंदों को देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसके ऊपर के तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो तीन फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है अपने पैटर्न के मुताबिक। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में चार फंदे बचे हुए हैं, तो हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो साइड के दो फंदे इन्हें हम सीधा बुनेंगे। साइड के दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। ये फंदा हमने दो का एक किया था, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा, अब हम अपने डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये फंदा स्लिप करना है, तो इसे स्लिप करेंगे और इन फंदों को, डिजाइन को हमें उल्टा बुनना है, यानी बुने हुए फंदों को उल्टा बुनना है, तो उसे उल्टा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, तो उसे स्लिप कर लेंगे और लास्ट के तीन फंदों के पास हम पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी, अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो ये दो का एक किया हुआ फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे और लास्ट के दो फंदे इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब हम फिर सामने से हैं, दो फंदों को सीधा बुनेंगे। ये फंदा देखिए, हम दो का एक करते आए हैं, तो पहले इसको सीधा करेंगे, फिर अगले फंदे को साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीसरा फंदा भी घटा दिया। शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट के चार फंदों तक हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे
और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगले दो फंदे सीधे, रॉन्ग साइड में है, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर, तीसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर, और पैटर्न के मुताबिक हमें शेष फंदों को सीधा बुनना है। अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे, तीसरे फंदे को जिसे हमने दो का एक किया है उसे उल्टा बुनेंगे, और लास्ट के दो फंदे इन्हें सीधा। तो ये हमने छठवां लाइन कंप्लीट कर लिया। तो दोनों साइड में तीन तीन फंदे घट गए, देखिए ये शेप आने लगा, तिरछा होने लगा है। तो इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरी आस्तीन भी तैयार कर लिया है। अब हम अपने मेन पार्ट पे आएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हमने 6 इंच बुन लिया था तो मेन पार्ट में यहाँ पे हमने कोई फंदे नहीं घटाया, बस रॉन्ग साइड से लास्ट के दो फंदों को सीधा बुना, बाकी अपने पैटर्न को जैसा बुनना था वैसे बुना, बस लास्ट के दो फंदों को देखिए इधर भी और इस साइड भी सीधा बुना। देखिए ये यहाँ से सीधा आया है, ये हमारा डिजाइन है, इसमें तो हमें सीधा बुनना ही था, ये हमें उल्टा बुनना था, तो देखिए लास्ट के दो फंदों को हमने सीधा बुना है। और आस्तीन में हमने देखिए 6 फंदों में देखिए 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से घटा दिए हैं। अब हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं। तो हमारा थ्रेड यहाँ पे है, अब पहले हम बॉर्डर के फंदों को बुन लेंगे, फिर अपने पैटर्न को चालू करेंगे, यानी एक फंदा सीधा, एक फंदा, अगला फंदा स्लिप करना है, फिर देखिए इसके ऊपर हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं, तो 3 फंदे सीधा बना लिया, अगला फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदा सीधा, लास्ट के 4 फंदे हैं। अब क्या करेंगे कि 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे। अब यहाँ भी हम रेगलान कटिंग करेंगे, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हम अपना आस्तीन लगाएंगे। अब इसके बीच में देखिए, इसके बीच में एक आस्तीन यहाँ आ जाएगा और दूसरा आस्तीन हमारा इस कटिंग के बीच में आ जाएगा। तो 2 फंदे को हम सीधा बुनेंगे और देखिए यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है, तो इस फंदे को सीधा किया, अगले फंदे को साथ लिया और दोनों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर लिया। फिर अगले देखिए 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, तो 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा, यानी अपने पैटर्न को हम चालू रखेंगे लास्ट के 4 फंदों के पास पहुंचेंगे। तो मैं बीच के फंदों को बुन के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बुन लिया, अब लास्ट के 4 फंदे हैं, तो 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, पहले दूसरे फंदे में और फिर पहले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। तो ये हमने एक आस्तीन कंप्लीट कर लिया। अब फिर हम यहाँ पे देखिए 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 2 फंदों को सीधा बुना, फिर अगले 2 फंदों को हमें एक साथ 2 का 1 करना है, तो 2 फंदों को एक साथ लिया, 2 का 1 किया, फिर नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, अपने डिजाइन के मुताबिक हमें बुनना है, तो अगला फंदा हमें स्लिप करना है, तो इसे स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा, यानी अपने पैटर्न को बुनते हुए हम लास्ट के 4 फंदों तक पहुंचेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, तो पहले हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे, और अगले 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो हमने दूसरे आस्तीन को लिया, 2 फंदों को सीधा बुना, ये हम काट लेते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो 2 फंदों को सीधा बुना,
फिर इसे सीधा किया, अगले फंदे को साथ लिया, यहाँ पे हमने दो का एक कर लिया, दो का एक कर लिया। फिर हम अपने पैटर्न के मुताबिक चलेंगे, यानी इस फंदे को हमें स्लिप करना है, अगले तीन फंदे सीधे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगला तीन फंदा सीधा। तो अपने डिजाइन को चालू रखते हुए हम लास्ट के चार फंदों तक पहुंचेंगे। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए लास्ट के चार फंदे बचे हैं, तो पहले दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर देंगे, अगले दो फंदे सीधे। हमारा ये सिलाई भी खाली हो गया। अब फिर हम अपने, ये हमारा सेकंड फ्रंट है, अब इसको भी हम इसी सिलाई पे बुन लेंगे। तो दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, दो फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब इसे हमें स्लिप करना है, फिर अगले तीन फंदे सीधे, अब हम अपने डिजाइन को कायम रखते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम रॉन्ग साइड में हैं और जैसे हम बुनते आए हैं फंदों को, वैसे ही हम बुनते हुए लास्ट के तीन फंदों तक पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट के लास्ट के तीन फंदे हैं। तो ये हमने दो का एक किया था, इसे हम उल्टा बुनेंगे और ये दो फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब ये आस्तीन के तीन फंदे हैं, तो दो फंदों को सीधा बुनेंगे और ये हमने दो का एक किया था ये फंदा, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। शेष फंदों को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आस्तीन के लास्ट के तीन फंदे बचे हुए हैं, तो तीसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और लास्ट दो को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे दो फंदे हो गए और ये हमारे बैक के फंदे हैं, तो पहले इसको हम बांध लेते हैं। हमारे दूसरे साइड के, यानी ये हमारे बैक के फंदे हैं, तो दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लास्ट के दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे और तीसरे फंदे को, जिसे हमने दो का एक किया है, उसे उल्टा बुनेंगे। शेष फंदों को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनेंगे। और इस धागे को हम साथ साथ लपेटते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बैक के तीन फंदे बचे हैं, तो तीसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और लास्ट दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे तीन फंदे हो गए। अब ये हमारे आस्तीन के तीन फंदे हैं, तो शुरू के दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और ये देखिए हमने दो का एक किया था, ये सीधी लाइन जा रही है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। शेष फंदों को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको अपने डिजाइन को कायम रखना है, बस हमें जहां पे ये दोनों पार्ट जुड़ रहा है, यानी ये फ्रंट पार्ट और ये आस्तीन जुड़ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो रेगलान कटिंग करने के लिए देखिए लास्ट के चार फंदे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम हमेशा दो का एक कर रहे हैं, यहाँ पे दो फंदों का एक किया सीधा बुनते हुए, यहाँ पे हमारी रेगलान कटिंग हो रही है और फिर हम चार फंदों को सीधा बुनेंगे, दो फंदे हमारे फ्रंट के और दो फंदे आस्तीन के, चार फंदे हम सीधा बुनेंगे।
और फिर यहाँ पे हमें अपना आस्तीन की कटिंग करनी है। तो ये दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। बस हमें जहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स जुड़ रहे हैं, जैसे ये फ्रंट पार्ट और आस्तीन जुड़ रहा है, तो देखिए हमने रेगलान कटिंग की, फिर चार फंदे सीधे बुना, दो फंदे फ्रंट के और दो फंदे आस्तीन के, और यहाँ पे फिर हमने दो का एक किया। ये हमारा लाइन ऊपर तक चलता चला जाएगा। यहाँ पे हर सीधी लाइन में हमें दो का एक करना है, एक बार ये फ्रंट की तरफ, एक बार आस्तीन की तरफ। इसी तरह यहाँ भी हमें देखिए दो का एक करना। अब देखिए ये चार फंदे बचे हुए हैं, आस्तीन के चार फंदे बचे हुए हैं, ये हमारी सीधे फंदों की धारी जा रही है। तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में देखिए दो फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारे बैक के फंदे हैं, तो दो फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए हम यहाँ पे रेगलान कटिंग कर रहे हैं, तो एक फंदे को लिया और अगले फंदे को भी लिया, दो फंदों को एक साथ लेके यहाँ पे दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए, शेष फंदों को सीधा बुनेंगे। तो जो हमारा पैटर्न है उसे ही हमें आगे लेके बढ़ना है। बस हमें जहाँ रेगलान कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे हम दो का एक कर रहे हैं, फिर दो फंदे सीधे, फिर इस साइड में भी दो फंदे सीधे और यहाँ पे दो का एक कर रहे हैं। और बैक साइड से देखिए जो हमने दो का एक किया है ये हम उल्टा बुनेंगे, और बीच के जो चार फंदे हैं इसे हम दूसरे साइड से भी सीधा बुनेंगे, ताकि यहाँ पे उल्टे फंदों की धारी आए। मैं अभी कुछ और लाइन बुन ले रही हूँ तो आपको स्पष्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, बटन होल के बाद से ये हमारे 11 लाइन हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11, यानी अब हमारा यहाँ पे बटन होल बनेगा। तो इस समय 3 बटन होल है और ये चौथा बटन होल बनने जा रहा है। तो पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदों में से हमने दो फंदा बुन लिया, तीसरे और चौथे को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। उसके पहले हमने धागे को अपनी ओर कर लिया है, यानी यहाँ पे हम जाली डाल रहे हैं। तो जाली डालते हुए दो फंदों को एक किया, ये तीसरा फंदा हो गया, ये चौथा फंदा, और ये एक फंदा हम और सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ये 5 फंदे हो गया, तीसरे फंदे पे हमारा जाली पड़ा है, यानी यहाँ बटन होल सेंटर में पड़ेगा। अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है, अब बाकी अपना हम पैटर्न को कायम रखेंगे। दोनों को ऐसे क्रॉस करा लेंगे, दोनों धागों को ऐसे क्रॉस करा लेंगे और अपने पैटर्न को कायम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम रेगलान कटिंग कर रहे हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, और बीच में 4 फंदे हैं, 2 फ्रंट के और 2 आस्तीन के, तो इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, और इन चारों फंदों को हम बैक साइड से भी सीधा बुनेंगे, तो यहाँ पे 4 फंदों की धारी आएगी। अब देखिए यहाँ पे भी हमें कटिंग करना है, तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। तो ये हमारा ऐसे तिरछा होता चला जाएगा, बाकी हम अपने पैटर्न को कायम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर कुछ इस तरह तैयार हो रहा है। चारों पार्ट्स ज्वाइंट होने के बाद या रेगलान कटिंग के बाद इसकी लंबाई है लगभग 4.5 इंच, और इस समय सिलाई पे 80 फंदे हैं, और अब हम 8 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज, दूसरे फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और अब शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अभी तक हम इस फंदे को, ये जो लाइन गई है इसे हम स्लिप करते आए थे, लेकिन अब हम इसे सीधा बुन लेंगे, और यहाँ पे अपने सेकेंडरी कलर के उनको काट देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
और गांठ लगा देंगे। अब सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है और इस कटे हुए थ्रेड को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी तरफ के भी बॉर्डर के 6 फंदे बुन लिए। अब ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, ये एच का फंदा है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। दूसरे फंदे को जिसे हमने यहाँ स्लिप कर दिया है उसे उल्टा बुनेंगे। शेष सभी फंदे हमें सीधा बुनने हैं, लास्ट के 2 फंदों को छोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं, तो हम पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, शेष फंदों को सीधा बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया, जिससे 2 उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं। तो अब ये 5वा लाइन है, और अब पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और तीसरे और चौथे फंदे को हम एक साथ लेंगे और बैक साइड से सीधा फंदा बना देंगे। यहाँ हमने जाली दिया, 2 फंदे का एक किया, फिर शेष फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये जो धारी जा रही है वो लास्ट तक जाएगी, ये दोनों साइड में जो ये धारी जा रही है ये लास्ट तक जाएगी, और हमें 7 लाइन तक आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा बनाना है। यानी हमें ये उल्टे फंदों की 4 धारियां हमें चाहिए। तो 7 लाइन हम सीधा बनाएंगे और 8वें लाइन में हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो 7 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 7वां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये 8वां लाइन है और रॉन्ग साइड से। अब इस लाइन में हम सभी फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा, पीछे वाले को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो हम सभी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो पूरी सिलाई में हम ऐसा ही करेंगे, लास्ट के 2 फंदों को छोड़ के। तो मैं सभी फंदों को बाइंड ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो उनको अपनी ओर करेंगे। देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो इसे उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा, इसे भी हम उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को चढ़ा देंगे। तो हमने सभी फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब इस फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके अंदर से गोले को निकाल लेंगे और इसे कस लेंगे। धागा थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि इसे हमें फंसाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर कुछ इस तरह तैयार हुआ है। अब हमें बस आस्तीन की सिलाई करनी है, दोनों आस्तीन की बस हमें सिलाई करनी है और ये स्वेटर तैयार हो जाएगा और बटन लगाना है। तो हम सुई में धागा डाल लेंगे और इसे नॉर्मल सिलाई कर लेंगे, जैसा भी हम करते हैं वैसे नॉर्मली सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आस्तीन की सिलाई कर दी। अब यहाँ से हमारी कटिंग शुरू हुई थी, रेगलान कटिंग शुरू हुई थी। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, इस तरह करेंगे और फिर ऐसे हम सिलाई करेंगे। देखिए,
और इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बेबी स्वेटर बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।